दर्शकों को टॉक में आप सभी का स्वागत है और आज एक और बार फिर से हमारे साथ है डॉक्टर संदीप डोगरा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिल्कुल सर, शुरुआत इस तरीके से करते हैं, बहुत सारे बदलाव जो है अब वैक्सीनेशन को लेकर आए हैं, क्या कुछ बदलाव है, तमाम जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी जानकारी हो आखिरकार ये बदलाव क्यों लिए गए और किस प्रकार के बदलाव हैं जो लिए गए। देखिए, वैक्सीन जब से वैक्सीन का जो प्रोग्राम चला है कोविड वैक्सीन का, तो लगातार जिन लोगों को हम वैक्सीन देते हैं उनके बारे में जानकारी भी साथ साथ में लेते रहते हैं कि वैक्सीन उनमें कैसी लग रही है जी। और उनके अंदर जो भी जो इफेक्ट्स होते हैं उसके, उसका भी एक साथ साथ में डेटाबेस बनता रहता है, रिसर्च होती रहती है जी। तो आज कुछ वैक्सीन को लेके कुछ नए गाइडलाइंस आई हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले कि एक सवाल जो हमें बहुत ज़्यादा आता था पहले कि क्या जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं जी, जो माताएं अपने बच्चों को दूध देती हैं, क्या वो वैक्सीन ले सकती हैं कि नहीं जी। तो इसका जवाब आज हमें मिल गया है। आज से जो है लैक्टेटिंग मदर्स जो हैं, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स जो हैं जी, वो उनको जो वैक्सीनेशन कोविड की जो है, दोनों की दोनों जो रिकमेंडेड हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड है, वो ये वैक्सीन ले सकती हैं। ये जो एडवाइजरी है ये देखने के बाद हुई है कि जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं इनका जो रिस्क रहता है कोविड का वो सिग्निफिकेंट रहता है जी। तो और ऐसा कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं देखा गया कि जो वैक्सीन के देने से माँ से बच्चे को हो सके जी। तो ये सेफ्टी का जो डाटा जितना भी आज की डेट में अवेलेबल है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया जी। तो आज के बाद में कोई भी लेडी है जो लैक्टेटिंग है या ब्रेस्ट फीडिंग है, वो वैक्सीनेशन करवा कोई भी दोनों में से जैसे कि उसकी एलिजिबिलिटी बनती है एज के हिसाब से वो ये वैक्सीन ले सकती है जी। बिल्कुल, क्योंकि कई सारे सवाल थे जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है उनके सवाल थे कि प्रेग्नेंट वुमेन्स और इनको लेकर, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन्स की बात करते हैं उनको लेकर अभी वैक्सीनेशन को लेकर कोई स्पष्टीकरण जो है वो नहीं किया। फिलहाल प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर जो अभी डिस्कशन जो है हायर ऑफिशियल्स को कर रहे हैं अभी, इसकी जानकारी अभी नहीं है जी। हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। आई एम वेरी श्योर कि जैसे ये फैसला हुआ है आगे के दिनों में इसके ऊपर भी कोई ना कोई फैसला हो जाएगा जी। सर तो कॉल ले लेते हैं सर पहला। तो बिल्कुल जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर अब एक बड़ा कदम जो है साफ तौर पर लिया गया है और चाहती भी है हर कोई की वैक्सीनेशन उन तक पहुंचे। बिल्कुल। हेलो। तो बिल्कुल वही पे बहुत सारे सवाल ये भी है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर एक फर्क देखें हम आइसोलेशन और क्वारंटाइन में क्या फर्क है। देखिए, आइसोलेशन का जो टेक्निकल मतलब है कि जब एक आदमी पॉजिटिव आ जाता है जी, तो वो आदमी जो है उससे किसी और को इन्फेक्शन ना हो, हम उस आदमी को आइसोलेट कर देते हैं बाकी लोगों से अलग, ये हो गया आइसोलेशन। क्वारंटाइन वो होता है कि अगर किसी को शक हो कि उसको कोविड के लक्षण हैं और वो अपना टेस्ट अगर वो देता है और उसका वेट करता है उसका रिजल्ट आने के लिए, और तब तक जो इंटरवल है सिम्टोमेटिक लोगों का जिसमें कि टेस्ट का रिजल्ट स्टेटस पता नहीं है, ऐसे लोगों को जब हम बाकी लोगों से अलग करते हैं तो इनको हम क्वारंटाइन बोलते हैं। यानी कि कोविड 19 कंफर्म केसेस को हम आइसोलेट करते हैं और जिनका स्टेटस अभी पता नहीं होता पर जिनमें सिम्टम्स होते हैं उनको हम लोग क्वारंटाइन करते हैं जी। बिल्कुल सर, वही सवाल लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। क्या सवाल है आपका? सवाल ये है जो कि अगर 45 साल वाला जो सुई है ना जी, 45 साल वाला इंजेक्शन है जी। हेलो भाई साहब। हाँ सुनिए, आप बोलिए सुनिए। 45 साल वाला जो सुई है जी, सर आप अपने टीवी का वॉल्यूम पहले कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए फिर सवाल बोलिए सर अपना। अपने टीवी का वॉल्यूम मतलब 3-4 साल पहले वाला लगा ले तो क्या होगा? आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए पहले। 45 साल का जो सुई है, अगर वो 2-4 साल पहले 40 साल में ही लगा ले तो क्या कुछ हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वैक्सीन के जो वैक्सीन तो सबके लिए जो है वो बराबर ही है। 18 साल से जो है ऊपर कोई भी अगर है तो वैक्सीन लगा सकता है। बस ये है
कि 18 साल के लिए फिलहाल जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन है और 45 साल के ऊपर के लिए जो है वो कोविशील्ड है, पर ऐसा कुछ नहीं है 45 साल से कम वाला भी लगा सकता है। बिल्कुल वही मेरा सवाल ये भी है कि बहुत से लोग होते हैं जो एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं, यानी जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं तो क्या कुछ प्रिकॉशंस उन्हें लेने चाहिए? देखिए, मिर्गी का होना, एपिलेप्सी का होना या किसी भी ऐसी बीमारी का होना, उसमें वैक्सीन की कोई मनाही नहीं है जी। वैक्सीन का जो पर्पज है कोरोना से बचाव का है, हमें बस ये देखना होता है कि अगर ऐसे मरीज कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसका कोरोना की वैक्सीन से कोई इंटरफेरेंस हो तो उसमें हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है, बट एज सच एपिलेप्सी में ऐसा कोई भी कंट्राइंडिकेशन नहीं है। ऐसे लोग अगर हैं तो वो उनको वैक्सीन रिकमेंडेड है जी। सर, हेलो। हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए मैम। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हेलो जी, सवाल बोलिए मैम अपना। हाँ जी, मुझे पूछना था कि मैं अभी रिसेंटली कोविड नेगेटिव हुई हूँ, तो मेरे को ये पूछना था कि मेरे को अभी भी ना कोविड मतलब नेगेटिव होने के बाद भी बहुत सफोकेशन फील होती है कभी कभी और ब्रेथलेसनेस फील होती है। ठीक है, देखिए ऐसा है, ये कोविड के इफेक्ट हो सकते हैं? हाँ, ये, बाद ये, होने के ये बाद? कोविड के नहीं, ये पोस्ट कोविड के इफेक्ट हम कहते हैं इसको, हम इसको अपनी मेडिकल। मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि अभी कोविड नेगेटिव रिसेंटली हुई हूँ मैं, उसके बाद नेगेटिव होने के बाद भी मेरे को कभी भी सफोकेशन फील होती है। हाँ ठीक है, तो ये जो लक्षण होते हैं ये कई लोगों में कोविड से बाहर निकलने के बाद में, रिकवरी के बाद में भी ऐसे सिम्टम्स कुछ देर तक रहते हैं। हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, बॉडी है, उसमें कई बार कभी कभी हल्का बुखार आता है, दर्दें रहती हैं, तो ये एक एक्सेप्टेड पोस्ट कोविड फेस रहता है, और इसमें से सभी लोग वक्त के साथ आराम से कुछ कम देर में निकलते हैं, कुछ ज़्यादा देर में निकलते हैं, हफ्ते महीने लग सकते हैं इसमें। इसमें आपको सिर्फ अपने खाने पीने का ख्याल रखना है जी। ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम लगता है ये अलग 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 लोगों में अलग अलग वक्त लगता है। जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है वो जल्दी निकल जाते हैं, जो थोड़े से कमजोर हैं या जिनकी इम्यूनिटी कम है या जिनको कोई बीमारी होती है साथ में कुछ और, उनको ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन ये वक्त के साथ में सब चीजें जो है ठीक हो जाती हैं। आप घबराइए मत, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए और वक्त के साथ में ये सब सिम्टम आपके ठीक हो जाएंगे। ओके ओके ठीक। बिल्कुल वही, जो सिम्टमैटिक है या जिन्हें कोई सिम्टम नहीं है, उसमें क्या जो भी पेशेंट घरों में है क्या वो किस प्रकार के एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं या उन्हें नहीं लेनी चाहिए? देखिए एंटीबायोटिक्स का जो है ना जी, ये हमें समझना है कि कोविड 19 जो है ये एक वायरल डिजीज है जी। सार्स सीओवी2 वायरस जो है वो कोविड 19 बीमारी कॉज करता है, और सार्स सीओवी2 वायरस है, और वायरस में हम एंटीवायरल की बात करते हैं, एंटीबायोटिक की बात नहीं करते जी। तो जितने भी ये जो हम जो एंटीबायोटिक्स हैं ये पर से माइल्ड केसेस में, मॉडरेट केसेस में हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं जी। हो सकता है कि वक्त के साथ जब पॉजिटिव होता है तो कई बारी इस बीमारी के साथ में कुछ और इन्फेक्शन, सुपर एडेड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं जी। जो कई बार बैक्टीरियल होते हैं उसमें फिर हम लोग एंटीबायोटिक्स का एक रोल आता है। तो माइल्ड केसेस में मैं बड़ा क्लियरली बोलना चाहूंगा कि अपने आप वही बात आ गई सेल्फ मेडिकेशन की, कि माइल्ड केसेस में जो हम जब हम आइसोलेट होते हैं उस केस में एंटीबायोटिक्स का लेने का रोल बिल्कुल नहीं है, उसमें अवॉइड करें इसको। जब एंटीबायोटिक्स की बारी आती है तो उस फेज में वैसे ही आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, जब वो सिम्टम्स पहुंचते हैं या जब उसकी जरूरत पड़ती है, तो ये फैसला आप डॉक्टर को करने दें, अपने आप जो है एंटीबायोटिक्स लेने की कोई जरूरत भी नहीं है और लेनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए, और सर प्लीज अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। हेलो जी, सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो जी, अपना सवाल बोलिए सर, और टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। तो वही जिस तरीके से आपने कहा कि सिम्टम्स जैसे भी हो ये अपने आप में आपने नहीं देखना है कि अब हमें एंटीबायोटिक्स लेनी है या नहीं लेनी है, वो डॉक्टर विल डिसाइड कि उन्हें किस, हम कह सकते हैं एक
टाइम ड्यूरेशन होता है या एक स्टेज होता है जिस समय उस पेशेंट को ये देने चाहिए? देखिए, कोविड 19 के बेसिकली जो है दो फेसेस आप ब्रॉडली कह सकते हो जी, एक पहले 5 दिन और एक उसके बाद का जो अंतराल है जी। 85% केसेस में जो आपके लोग हम देखते हैं जो ये माइल्ड जो डिजीज होती है उससे गुजरते हैं। माइल्ड मतलब सिम्टम्स बड़े हल्के होंगे, शायद नहीं भी हो सकते हैं, और अगर होंगे भी तो बुखार होगा या खांसी हो सकती है या बदन में दर्द हो सकती है, माइल्ड सिम्टम होते हैं, सर में दर्द हो सकती है जी। तो ये माइल्ड सिम्टम जो होते हैं ये वायरस जब आपकी बॉडी में आया तो वो ये वायरीमिया कॉज करता है, ये उसके लक्षण होते हैं। ये सब जो है वक्त के साथ में एक दिन दो दिन तीन दिन में कम हो जाते हैं मोस्ट केसेस में, और अक्सर देखा है हमने कि माइल्ड वाले जो केसेस होते हैं वो 5 दिन के बाद में नॉर्मलसी की तरफ चल पड़ते हैं और 9वें या 10वें दिन के बाद में वो आदमी जो है वो रिकवर कर जाता है और वो किसी और के लिए इन्फेक्शियस भी नहीं रहता जी। 5-6 दिन का जो अंतराल है ये बड़ा क्रिटिकल होता है, यही वो टाइम है जिसमें माइल्ड से मॉडरेट डिजीज हो सकती है, यानी कि लक्षण जो है वो कम होने की बजाय बढ़ भी सकते हैं, या अगर वो एक फेज में है तो उनकी जो सिवेरिटी बढ़ सकती है जी। तो इस ये वक्त में होता है जब हमको होम आइसोलेशन से बाहर निकल के डॉक्टर की राय लेनी है और जरूरत पड़ने पर हॉस्पिटल की तरफ जाना है। तो पहले 5 दिन में जो माइल्ड केसेस में कोई भी ऐसी कोई दवाई जो है हम लोग रिकमेंड नहीं करते, वो सिम्टोमेटिक रिलीफ हम बात करते हैं उसमें कि जो आपको सिम्टम आया उसका आपने इलाज कर लिया, मोस्टली पैरासिटामोल से बात बन जाती है, इसके अलावा ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं होती। ये चीज समझने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल ये है कि मेरे नाक में राइट साइड में ना थोड़ा सा दर्द है, कहीं कहीं टेस्ट कोई कराने वाला कोई चक्कर है मुझे करवाना है, टेस्ट को करवा ले। आपका सवाल समझ, आप दोबारा बोलेंगे क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब ये कि जैसे सुन गया ना भाई नाक के जरिए ब्लैक फंगस वगैरह चला है, मेरे को कुछ नहीं है, कोविड वगैरह कुछ नहीं है, तो नाक में दर्द हुई है साइड में अंदर वाली साइड में थोड़ी सी। अच्छा देखिए, ये नाक में आप कह रहे हैं कि आपको दर्द हो रही है थोड़ी सी, ये एक लोकल, अभी आप फिलहाल इसको कोविड के कारण आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? कोविड का तो आप बेफिक्र रहिए, नहीं नहीं आपको मैं स्पष्ट करूँ, आपको घबराने की बात नहीं है, ये लोकल माइल्ड सा इन्फेक्शन है जो अपने आप ही ठीक हो जाता है, इसको आप कोविड से मत लिंक कीजिए, घबराइए मत, फिक्र ना कीजिए, ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल जैसे ब्लैक फंगस को लेकर बहुत ही लोग जो है अफवाहों पे बिलीव कर रहे हैं, इससे पहले भी आपने कहा था कि जो केसेस की बात करते हैं पूरे विश्व में आ रहे हैं, ना कि सिर्फ हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर से आ रहे, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन हाइजीनिक को ख्याल रखना इस समय बहुत ज़रूरी है जी। तो जैसे इन्होंने कहा कि इन्हें अब वो डर बैठ गया है, क्या इससे ब्लैक फंगस का कोई रिलेशन है? नहीं, नहीं, नहीं। देखिए हमें पर्सपेक्टिव क्लियर करना चाहिए। देखिए ब्लैक फंगस जो है वो एक अपॉर्चुनिस्टिक फंगल इन्फेक्शन है जी। अपॉर्चुनिस्टिक का मतलब हुआ कि जब आदमी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो बड़े सारे फंगस हैं जो उन आदमियों को इन्फेक्ट करते हैं, जिसमें से कि एक ये ब्लैक फंगस भी है जो टेक्निकली म्यूकोरमाइकोसिस है। तो कोविड के कंटेक्स्ट में ये क्यों बढ़ रहा है हमें ये समझना चाहिए। पिछले साल हमने इसके केस देखे नहीं, इस बार देख रहे हैं जी। क्यों देख रहे हैं इसमें कि इसका रीज़न ये है कि जो एक सबसे बड़ा है उसमें सेल्फ मेडिकेशन वाला हो गया जी। कि लोग अपने आप स्टेरॉयड लेते हैं, पहले दिन दूसरे दिन में जब सिम्टम्स आए पॉजिटिव आए घर में रहे आप तो स्टेरॉइड शुरू कर दिया बिना किसी मेडिकल रिकमेंडेशन के। दूसरा है कि हमारे इंडिया में एक मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग हैं जिनमें डायबिटीज है और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनको खुद नहीं पता होता कि उनको डायबिटीज है, तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज एक ट्रिगर है ऐसे केसेस का। तो कोविड के कारण इम्यूनिटी का कम होना उस पर कई बार लोगों को कुछ और बीमारियां भी होती हैं जिसके कारण उनकी जो उनकी इन्फेक्शन से जो फाइट करने की ताकत कम होती है जी। उसके बाद में ऐसे केसेस जिसमें कि वो खुद दवाई लेते हैं जी, खासकर की स्टेरॉइड्स, और कुछ ऐसे लोग जिनमें डायबिटीज है, ये ऐसा एक कॉम्बिनेशन है जो प्रीडिस्पोज करता है लोगों को ब्लैक फंगस के इन्फेक्शन के लिए जी। तो ये चीजें जो है ये इसका, लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है, इसका इलाज है।
वक्त पे हमें ऐसे केसेस को डायग्नोज करना होता है, इसके क्लिनिकल प्रेजेंटेशन को समझना होता है जी, और इसकी मैनेजमेंट करनी होती है जी। बिल्कुल सर, वही एक सवाल लेते हैं। हेलो हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। मैम एक्चुअली मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था, हमारे घर में ना हमारी सिस्टर शी इज 28 एंड शी हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर COVID-19। ओके जी, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, सो शी हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव ऑन लास्ट फ्राइडे, तो अभी कम से कम 5-6-7 दिन हो गए। ठीक। तो सर आज ना हम सारी फैमिली ने हमने रैपिड टेस्ट करवाए और सबका रिजल्ट नेगेटिव आ गया। ठीक। हम सब घर पे क्या बोलते हैं इसको, हम ना नेगेटिव आ गए सारे, कोई सिम्टम भी नहीं है हमें। गुड, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सब लोग को आइसोलेशन में रहना चाहिए? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए समझिए, आपकी सिस्टर पॉजिटिव आई, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, और क्योंकि आप सभी उसके फैमिली मेंबर्स कॉन्टैक्ट में होंगे, तो आपने आज अपना टेस्ट करवाया जो नेगेटिव आया, तो इसका मतलब है कि आप सबको कोविड नहीं है। आपने बड़ा अच्छा किया है कि आपने बीच में 5-6 दिन का गैप देके अपने अपनी फैमिली के टेस्ट करवाए हैं, ये अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही हमें समझना है कि जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उनको डर के मारे जल्दी टेस्ट नहीं करना चाहिए, दे शुड वेट फॉर एटलीस्ट 5 डेज, जो आपने किया है इट्स ए वेरी गुड थिंग। अब आप लोग सारे जो मेंबर्स जो आज नेगेटिव आए हैं, आप तो इत्मीनान से अपना जो काम जो है वो आप कर सकते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है, और आपकी सिस्टर को अभी 14 डेज तक आइसोलेशन में रहना है। ठीक है, आई होप उनको कोई सिम्टम्स नहीं है इस समय, ऐसे ही वो अपना जो आइसोलेशन का पीरियड है 14 डेज तक कंप्लीट करें, उसके बाद में वो भी अपना जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसको फॉलो कर सकते हैं, और याद रहे कि आपको 14 डेज के बाद में कोई भी टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, उनके अगर सिम्टम्स नहीं है तो क्लिनिकली वो हमारी तरफ से डिस्चार्ज है। ओके सर, वन मोर थिंग आई नीड टू आस्क, मतलब हम उनको, जो मेरी सिस्टर है उनको दिन में ऐसे पार्क में आ सकती है धूप में बैठने के लिए? बहुत अच्छी बात है, आप उनको मोटिवेट कीजिए कि सेफ्टी का ख्याल रखे, मास्क पहन के रखें वो, और माइल्ड सी वॉकिंग कर सकते हैं, टहल सकते हैं, धूप में बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो उनको बोलिए वो ओपन एरियाज में बाहर आए, बाहर में बैठ के थोड़ा सा वॉक करें, अपने आप को मतलब थोड़ा बिजी रखें, माइल्ड सी एग्जर्शन अच्छी होती है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। बिल्कुल वही बात करते हैं जो होम आइसोलेटेड पेशेंट से, क्या वो माइल्ड डोज ऑफ स्टेरॉइड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं जी, माइल्ड केसेस के लिए स्टेरॉइड्स अभी आज की जो 17 को जो गाइडलाइंस आई हैं उसमें स्टेरॉइड्स भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने माइल्ड कैटेगरी से निकाल दिए हुए हैं, इवन दोज आर नॉट रिक्वायर्ड नाउ, स्टेरॉइड्स हैव टू बी गिवन अंडर मेडिकल एडवाइस पीरियड, इसके बारे में कोई दोहरा नहीं होनी चाहिए। ये दवाई जो है ये एक दो तरफा अपना तलवार है, ये फायदा भी करती है पर नुकसान भी करती है। इसकी डोज, इसका टाइमिंग, इसकी ड्यूरेशन जो है वो हर एक केस टू केस बेसिस पे डॉक्टर डिसाइड करता है जी। ये काम आप उसी को करने दीजिए, ये खुद मत कीजिए जी। बिल्कुल सर, वही एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 हाँ मैम जी, अपना सवाल बोलिए सर। सर मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये है कि मैंने वैक्सीन पहला लिया है कोवैक्सीन जी जी, अब डॉक्टर साहब से मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दूसरा क्या अपोजिट में ले सकते हैं या नहीं? नहीं, कोविशील्ड ले सकते नहीं, या बिल्कुल ये वैक्सीन ही लेना है आपको, दूसरा वैक्सीन को वैक्सीन ही लेना है, ना तो आपको ये रिकमेंडेड है चेंज करना वैक्सीन, और ना ही आप कर पाओगे कोविन पोर्टल में, आपको कोवैक्सीन ही चाहिए, वही लेना आपको। सर आप पिछली जो पहली वेव थी ना कोविड की पहली, जी जी हाँ सर, उसमें जब आम लोग मैंने देखा था कि सब वो लेमन पीते रहे, तो लेमन पीते रहे थे, क्या वो पीना ठीक है या वो लिमकी खा रहे थे? देखिए ऐसा है कि कोविड में देखा हमने कि वक्त के साथ में जो जो हमें जानकारी मिलती गई इस बीमारी के बारे में कि ये ठीक है या गलत है, वो हम लोग फॉलो करते गए, ये नई बीमारी थी इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं था, तो जितना नॉलेज हमारे पास था उसके हिसाब से हमने दवाइयाँ जो हैं रिकमेंड की और ली। अब वक्त के साथ में, अब काफ़ी वक्त हो चुका है, बहुत सारी नई बातें पता लग चुकी हैं कि क्या दवाई काम करती है क्या दवाई काम नहीं करती है, तो अब जो हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है,
हमको उसे फॉलो करना चाहिए, जो हो गया उसको रहने देते हैं, आगे देखते हैं कि क्या दवाई काम कर रही है उसको लेना चाहिए, और जिसका कोई फायदा नहीं है लेके उसकी कोई जरूरत नहीं लेने की। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा कि मेडिसिंस की बात की है, मेरा भी सवाल है, अक्सर बहुत सारी फैमिलीज में अब देखा ये जा रहा है कि बेशक उनके घरों में पेशेंट नहीं है कोरोना के, लेकिन लिम्सी हर कोई खाता हुआ नजर आ रहा है कि देखिए विटामिन, ठीक है देखिए हम आज भी मना नहीं करते किसी को खाना खाए, लेकिन ये अगर आप कहो कि लिम्सी कोविड का इलाज है तो वहां पे हमें ऑब्जेक्शन है जी। अगर आप अपना विटामिन सी का लेवल इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए आप इसको लेते हैं तो वेलकम, आज भी लीजिए, कल भी लीजिए, पहले भी हम लेते आए हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है, काढ़ा लोग लेते हैं ठीक है लीजिए, पर ये जो ऑल्टरनेटिव जो इनडायरेक्ट जो चीजें हैं इनको आप कोविड के साथ में डायरेक्टली लिंक मत कीजिए, कोविड का जो इलाज है वो अलग है जी। ये सिर्फ मरीज का जो लिविंग जो कंडीशन है, जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसकी बॉडी की ताकत है, उनको बढ़ाने के लिए इनडायरेक्टली बाहर से हेल्प करती है जी। तो हमें कोई इसमें मनाही नहीं हम करते हैं, लेकिन कोविड का इलाज करके कह के इसको मत लीजिए जी। सर वही एक सवाल है, तो बिल्कुल आपका ये कहना है कि आप ये नहीं कह सकते उससे कोविड का ही वो असर होगा, ऐसे अपनी हेल्थ के लिए लेना, क्योंकि इससे पहले भी विटामिन्स की बात करते हैं, कैल्शियम्स की बात करते हैं, लोग लेते थे। सर वहीं पे मेरा ये भी सवाल है, मैंने इससे पहले भी पूछा था कि बहुत सारे लोग जो है लेमन जूस अपने नाक में डालते हुए दिख रहे हैं, ऑयल अपने नाक में डालते हुए दिख रहे हैं, और ये कहते हुए कह रहे हैं कि इससे जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो कम होता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए हमारे पास अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है, कोई ऐसा दावा नहीं किसी साइंसदान ने किया, कोई ऐसी स्टडी नहीं है जिसमें कि इस तरह के मतलब तरीकों से कोई फायदा हुआ हो, उल्टा हमने देखा है कि कई लोगों को इससे काफ़ी दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, और वो उनको हॉस्पिटल तक ले जाने की दिक्कत आई है। तो ऐसे जो नुस्खे हैं जब तक वो एक सही तरीके से टेस्ट ना हो जाएं, उनकी जो एफिकेसी है वो टेस्ट ना हो जाए, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी को ऐसे रिस्क लेने चाहिए। देखिए बड़ा आसान है, मतलब मास्क पहनना क्या ज्यादा मुश्किल है ये सब करने से, या सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना ज्यादा मुश्किल है? जो आसान चीजें हैं वो हम नहीं करते और इस तरह की चीजों में जाते हैं। मुझे लगता है ये चीजें अनसेफ है, ये अनटेस्टेड है, अनट्राइड है, ये फिलहाल इन पे नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल। तो सर वही नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे इस प्रकार के नुस्खे दिखते हैं उन पे बिलीव ना करते हुए, क्योंकि मोस्टली सर आप देख रहे हैं जहाँ जम्मू कश्मीर में भी डेथ का जो रेट है वो हाई आता है, जब भी डेथ रेट आता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, उन फैमिली मेम्बर्स के लिए, या जब इस प्रकार की गाइडलाइंस के बावजूद भी इस प्रकार से अगर पेशेंट्स मरते हैं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसमें अक्सर जो केसेस में मेजॉरिटी ऑफ देखे तो क्या दिखने में आ रहा है कि पेशेंट जो है जो होम आइसोलेशन में, क्या वो देरी कर रहे हैं अस्पतालों में आने तक, कमी कहाँ पे आपको लग रहा है कि उसमें देखने को मिल रही है पेशेंट? देखिए इसके बड़े सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो वायरस आज की डेट में लोगों को हॉस्पिटल लेके आ रहा है जी, वो वायरस वो नहीं है जो एक साल पहले था। बिल्कुल, ये एक हाईली वायरलेंट स्ट्रेन है, वेरियंट है, जो बहुत जल्दी फैलता है और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है, और इस कारण इसके जो लक्षण हैं बहुत जल्दी आते हैं जी। और इसका जो लक्षण काफी सवेर हैं, ये पांचवें छठवें दिन में ही अपना जो इंटेंसिटी है जो बीमारी की वो बढ़ जाती है केस में। और दूसरा जो एक हमने रीजन जो हमने पहली बहुत बार देखा, जो डाटा हमने अभी इवेल्युएट किया है जी, कि लोग कहीं ना कहीं पे डिनाइल में रहते हैं, देरी करते हैं मेडिकल केयर या हॉस्पिटल केयर लेने के लिए। अगर लक्षण है तो पहले वो उसको मानते नहीं है टेस्ट करवाने के लिए जी। उसके बाद में अगर टेस्ट करवाते भी हैं तो पॉजिटिव आने के बाद में भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं जी। कई लोग हमने देखा है कि पॉजिटिव आने के बाद भी बाहर निकलते हैं, अपना काम करते हैं, किसी को बताते नहीं है, छुपाते हैं अपना स्टेटस बताते हैं। अब जब वो छुपाएंगे तो वो आगे फैलाएंगे उसको, और स्ट्रेन जो है वायरलेंट है वो जल्दी फैलेगा। और अगर आप पॉजिटिव भी हैं और अगर आपके सिम्टम्स जो हैं कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपके सिम्टम्स सीरियसली आगे बढ़ रहे हैं, तो उस केस में भी घर के जो 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 भी नुस्खे हैं वो नहीं चलेंगे। उनको समझना चाहिए कि पांच छह दिन के बाद में अगर आपकी जो हेल्थ जो है और खराब होती है, सिम्टम इम्प्रूव नहीं होते हैं, तो वो घर में बैठने का टाइम नहीं है, अपनी दवाइयां लेने का टाइम नहीं है, उस समय आपको हॉस्पिटल का रुख करना है। तो बड़े सारे ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद में कई लोगों को कोमोबिडिटी होती है कि कोविड हुआ, उम्र ज्यादा है,
या साथ में डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, जो और चीजें ऐसी हैं कि वो उनका जो प्रोग्रेशन है बीमारी का वो एक आम आदमी से डिफरेंट होता है, वो जल्दी होता है, सीरियस होता है। तो बड़े सारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिनमें कि ये चीजें हम देख रहे हैं। बिल्कुल सर, मैंने एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया तो मैं हूं मत जी, तो खाने में क्या लेना चाहिए? देखिए ऐसा है कि खाने में कोई ऐसा परहेज नहीं है, जो आपको खाना अच्छा लगता है, जिस खाने से आपको ताकत आ सकती है वो आप ले सकते हैं। बस ये है कि आपको ख्याल रखना है कि कोई तला वाला तीखा खाना ना खाएं, ठीक है। बाकी प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन रिच डाइट हम रिकमेंड करते हैं, होलसम प्रोटीन रिच डाइट। जितना खाना खाइए कोशिश कीजिए कि कम कम छोटे छोटे वक्फे पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, साथ में फ्रूट खा लीजिए। और पीने का जो पानी है किसी भी तरह का, चाहे जूसेस वगैरह हो जाए, नींबू पानी हो जाए, ये हाइड्रेशन जो होती है पानी का, जो आपका जो जो इंटेक है वो आपका अच्छा रहना चाहिए। खाना आपका छोटे छोटे वक्त पे खाते रहिए और आप उतनी ही जल्दी इससे बाहर आएंगे और अच्छी तरह से बाहर आएंगे, ऐसा कोई परहेज नहीं है। वहीं पे जितने भी पेशेंट होम आइसोलेशन में है, मैं बार बार ये सवाल आपसे पूछती हूँ कि जब भी कोई पेशेंट आपने सेपरेट किया है, उसे आइसोलेशन में रखा है, जो वो बाकी फैमिली मेंबर्स से मतलब मिलता जुलता है, तो उसके बाद जिस रूम से वो निकला है उसमें प्रिकॉशंस लेना कितना ज़रूरी है? क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि जो इन्फेक्शन है घर में, एक शख्स कितने भी एहतियात बरत ले, लेकिन उसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आना है फैमिली मेंबर, खासकर वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ, क्योंकि इमोशंस को एक साइड पर छोड़ना है। बहुत सारी फैमिलीज हैं जो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा है, हम कैसे उससे दूर रह सकते हैं, लेकिन समझने वाली बात यह है कि उस समय थोड़ा दिल जो है वो मजबूत बनाना ही पड़ेगा और जो प्रोटोकॉल्स है उनका पालन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर उस समय हमने ये नहीं किया तो इन्फेक्शन बाकी और फैमिली मेम्बर्स को बढ़ सकता है, जिसमें आप ये बार बार कहते हैं कि जिन्हें कोमोबिटीज़ है या पहले से कोई बीमारियां हैं उनके लिए घातक हो सकती है। बिल्कुल, होम आइसोलेशन में सबसे प्रैक्टिकल जो अप्रोच है वो ये है कि जो भी पॉजिटिव आए हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, अगर वो एक से ज़्यादा भी हैं तो वो भी एक रूम शेयर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, एक से दो पॉजिटिव हैं। अब होम आइसोलेशन का जो ऑब्जेक्टिव वही है कि आप खुद तो पॉजिटिव आ गए, खुद तो बीमार हो, लेकिन कौन चाहेगा कि उससे उसके घर वाले बाकी पॉजिटिव हों, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर आपको इन्फेक्शन है तो वो आपके थ्रू ही बाकियों को फैलेगा, तो अगर आपकी गलती हुई तो आपके गलती के कारण बाकियों को हो सकता है जी। और ये कोई नहीं चाहेगा, तो जिम्मेदारी उसकी बनती है जो पॉजिटिव हुआ हुआ है। अब वो जो पॉजिटिव हुआ हुआ है उसको अपने आप और अपनी जो चीजें हैं जो भी हैं वो इंश्योर करनी है कि वो उस कमरे से बाहर ना जाए जी। तो इसके लिए हर चीज जो उसको सुबह से लेकर शाम तक चाहिए वो उसके पास अपनी होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए जी। उसके बाद में घर में भी, आपने बिल्कुल सवाल किया कि ठीक है प्यार होता है, बच्चे होते हैं या कोई ऐसा है कि सबका मन करता है कि मिले जाके, बट फिलहाल 10 दिनों के लिए अपने इमोशंस कंट्रोल करें। सिर्फ एक आदमी को ये ड्यूटी दें कि आपने भाई इसका खाना लेके जाना है, दवाई देनी है, हालचाल पूछना है, कपड़े देने हैं, या कोई भी ऐसी कोई अगर उससे बात करनी है, कोई सामान देना है उसको, एक आदमी की ड्यूटी लगाएं, ना कि ये कि सुबह कोई और जाए, शाम को कोई और जाए, दोपहर को कोई और जाए। तो रिस्क जो है हमने जितना कम हो सकता है उसको करना है, रिस्क तो हर केस में रहेगा। हमारा हमेशा मकसद रहता है कि अगर हम घर के अंदर हैं या घर से बाहर हैं, हमारा COVID-19 को के वायरस को लेने का जो रिस्क है जितना कम हो सकता है जी। एक मास्क पहनेंगे रिस्क कम हुआ, दो मास्क पहनेंगे और कम हुआ, दो मीटर दूर रहेंगे और रिस्क कम हुआ, अपना हाथ को बार बार साफ करते रहेंगे और रिस्क कम हुआ, सब एक साथ करेंगे रिस्क बहुत कम हो जाएगा, एक करेंगे कम रहेगा। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव हमारी साइकी में अब तक ये हमें आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली हमको ये समझ आना चाहिए कि हम वो सब चीजें करें जिनसे हमारा घर से बाहर या घर के अंदर COVID-19 वायरस या बीमारी से बचने का रिस्क सबसे कम हो जी सर। ये अगर हमारी सोच में चीज आ जाए ऑटोमेटिकली हम वो चीजें करेंगे जिससे कि हम लोग ये चीज अचीव कर सकते हैं जी सर। नेक्स्ट सवाल लेते हैं सर। हेलो 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 जी, अपना सवाल बोलिए सर। मैम मेरा क्वेश्चन ये है सर से, उससे पहले मेरा गला खराब हुआ था और मेरा टेस्ट और स्मेल चली गई थी जी। तो अब मेरे को 12-14 दिन हो गए हैं जी। और मेरा टेस्ट भी सही है और स्मेल भी मेरे को वापस आ गई है ठीक। तो क्या मेरे को टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए आप तो जो मेडिसिन मैंने वो पूरी ली है एज पर जो सारी
डॉक्टर के लिए जो बताई थी। आपने 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 पहले टेस्ट नहीं करवाया कभी? नहीं सर, टेस्ट नहीं करवाया था, बट मेरी स्मेल में पेन, तो गले में पेन। देखिए जो आप, मैं आइसोलेशन में चला गया था, बड़ा अच्छा किया, तो अब मेरे टेस्ट भी वापिस आ गया और स्मेल भी वापिस आ गया। देखिए जैसे आप बता रहे हो, 12 दिन हो गए आपको ये लक्षण आते हुए, और जो लक्षण आप बता रहे हैं वो कोविड के ही लग रहे हैं बिल्कुल। तो आप 12 दिन के बाद अगर आज की डेट में अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई बुखार नहीं है, ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आप टेक्निकली कोविड से बाहर आ चुके हैं जी। तो ठीक है, अब देखिए ये भी एक ऐसा केस सिनेरियो है, कई बार ऐसा होता है कि लक्षण आते हैं लेकिन कोई भी रीजन हो सकता है कि वो आदमी टेस्ट नहीं करवा पाता, मे बी वो ऐसी जगह पे है या यहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, या वो बीमार है इतना कि वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, या ट्रांसपोर्ट नहीं है उसके पास, बड़े सारे रीजन हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में बेस्ट पॉलिसी है कि आदमी अपने आप को आइसोलेट कर ले, फोन के थ्रू जो कंसल्टेशन करके किसी डॉक्टर से रब्ता कीजिए, और अपना अपने आप को होम आइसोलेशन में मान के अपना ये पीरियड निकाले। अगर सब ठीक रहता है तो 14 दिन के बाद में वो अपने आप को ठीक समझे और अपना वापस लाइफ में चले जाए। टेस्ट हमको बताता है बेसिकली पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ठीक है, लेकिन कई बार टेस्ट भी जो है वो आपके जो है वो मिस कर देते हैं केसेस में। फिर भी हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर जाते हैं जी। अगर कोई क्लिनिकली क्लासिकल सिम्टम्स कोविड के देता है पर उसमें टेस्ट नेगेटिव आता है, तभी डॉक्टर जो है उसको कोविड ही लेके चलेगा और उसका इलाज हम वैसे ही करते हैं टेस्ट के नेगेटिव आने के बाद भी ऐसे केसेस में। तो ये बड़ा अच्छा किया इन्होंने कि इन्होंने टेस्ट नहीं करवाया, जो भी इनका रीजन रहा होगा, पर इन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया 2 हफ्ते के लिए और अब ये बिल्कुल ठीक है, अब ये वापस आ सकते हैं। इस केस में इनको कोई टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं सर, जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने दिखाई है, बहुत से लोग हैं जो पॉजिटिव आने के बाद भी बिलीव नहीं करते कि क्या ये मेरी ही रिपोर्ट है, छुपाते हैं, उसकी वजह से और भी लोगों को ये संक्रमण बढ़ता है। यही रीजन है सेकंड वेव के आने का, बिल्कुल ये डिनायल जो था, ये जो कैजुअलनेस था कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कि कुछ नहीं होगा, कोविड निकल चुका है, ये ही हमें सेकंड वेव में लेके आया। आई थिंक आप सबको समझ में आ जाना चाहिए ये एक सीरियस बीमारी है और इसमें कैजुअलनेस का और कॉम्प्लेसेंस का कोई रोल नहीं है। बिल्कुल। वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, अपना सवाल बोलिए सर। जी सवाल बोलिए सर अपना। हेलो हेलो, ये डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। हाँ बोलिए, सवाल क्या है आपका? सवाल मेरा ये है कि मेरी बच्ची का टेस्ट पॉजिटिव निकला हुआ है, उसका एक 10 साल का बच्चा है, ठीक, तो क्या करना चाहिए हमको? देखिए वो अपने छोटे बच्चे को अपने पास रख सकती हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ये है कि जब वो बच्चे के पास हैं तो अपना मास्क पहन के रखिए, दो मास्क पहन के, दो डबल मास्किंग कर सकती हैं, बार बार अपना हैंड जो है, हाथ जो है बार बार साफ कर सकती हैं, और जो जहाँ पे वो रहती हैं उस कमरे में वेंटिलेशन का ख्याल रखिए। तो इस पे ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अलाउ करते हैं कि माएं अपने बच्चे को अगर पॉजिटिव है, जी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माँ और बच्चे को साथ में रखिए और माँ को समझाइए कि सारे प्रिकॉशन फॉलो करे, घबराने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोग जो है टेस्टिंग को लेकर भी डरते हैं, क्योंकि अक्सर ये अफवाहें फैलाई जाती है कि जब टेस्टिंग होती है इस तरीके से होती है कि लोग घबराते हैं, और अक्सर जब टेस्टिंग की बात आती है तो आए देड़े चेहरे बनाते हैं, पीछे करते हैं, जिससे डॉक्टर को भी दिक्कत आती है और उनके सैम्पलिंग लेने में भी डिफरेंस आती है। किस प्रकार से हम कोरोना के सिम्टम ले सकते हैं और कैसे ले सकते हैं अगर इनकी टेस्टिंग की बात? देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये। देखिए किसी भी टेस्ट का जो रिजल्ट है वो उसकी रिलायबिलिटी तब बनती है जब आपका सैंपल सही तरीके से लिया हो जी। कोई भी सैंपल हो अगर वो सही तरीके से नहीं लिया हो तो उसके रिजल्ट की जो वैल्यू है वो डाउटफुल रहती है। जितना सर मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं फिर बताइएगा। तो वही समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो जान लेते हैं ब्रेक के बाद। Very good evening to all. On behalf of the Department of Health and Medical Education, Government of Jammu and Kashmir,
This is today's daily media briefing on the emergent COVID situation in the UT. As of today, 19th May 2021, a total of 3,969 new positive cases have been reported since our last update yesterday, which includes 1,375 from Jammu Division and 2,594 from Kashmir Division. Moreover, 4,338 COVID patients have recovered. Furthermore, 62 COVID deaths have been reported, which includes 39 from Jammu Division and 23 from Kashmir Division. Over the period of last 24 hours, a total of 48,565 COVID tests were conducted across the UT, which includes both RAT and RT-PCR. With regards to bed occupancy, against the availability of 5,476 Level 1 and Level 2 beds, 3,382 stands occupied. With regards to oxygen availability, over the period of next 24 hours, a total of 1,19,205 cubic meters of oxygen shall be made available. With regards to the ongoing vaccination drive, a total of 7,925 people were vaccinated today, which brings the total number of people cumulatively vaccinated across the whole UT to 28,47,780. In the 45 years and above age group, 62.26% people have been vaccinated. Apart from this, all district and divisional level control rooms are functional around the clock. Teleconsultations are available through the eSanjeevani portal. Live call-in programs, Cove Talk on Gulistan TV, and Hello Doctor on DD Kashir, and are running in the morning as well as evening. And a new program, Doctor on Radio, is also going to be initiated from 3 to 3:30 p.m. every afternoon on AIR. Finally, 108 ambulance services are available round the clock. Thank you. COVID ki dusri wave se bache. मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए, ये बीमारी लाइटली मत लीजिए, क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28th of July मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। लोग इस बीमारी को इतना ज़्यादा लाइटली ले, ना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं और ना ये मास्क यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ पे भी गैदरिंग में मास्क यूज़ नहीं करते हैं। मैं सबसे यही इल्तिजा करती हूँ, सबसे पहले मास्क इस्तेमाल करिए, हैंड वॉश करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि ये इस बीमारी का कुछ भी पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से क्या होता है और इंसान कब कैसे इंसान के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, और इंसान मरने के कगार तक पहुँचता है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। कोविड की दूसरी वेव से बचे। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है, और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं, ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं, उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं, और बारी आने पर कोविड वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं, उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं आपसे पूछ रही थी कि सैंपलिंग जो है किस किस प्रकार की है, तो आप बता दीजिए। तो किसी भी टेस्ट के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होता है कि उसका सैंपल कैसे लिया गया। सैंपल जितना सही तरीके से लिया होगा, उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो रिलायबल होगा, एक्यूरेट होगा जी। तो कोविड 19 में जो हम लोग रैड टेस्ट करते हैं या RT-PCR टेस्ट करते हैं, दोनों के लिए हम जो है स्वैब्स से सैंपल लेते हैं जी। तो दो जगहों से आप सैंपल ले सकते हैं, एक आप नाक के थ्रू ले सकते हैं नेजोफेरिंग, और एक आप मुंह के से मतलब से भी ले सकते हैं जी। दोनों इसके लिए वैलिड इसके तरीके हैं लेने के लिए। मोस्टली हम नेज वाला जो पाथ है वो उस पर प्रेफर करते हैं, लेकिन दोनों भी सैंपल अगर एक साथ लेने हो तो वो भी ले सकते हैं। तो अक्सर ये देखा गया है कि जब टेक्नीशियन सैंपल डालता है तो लोग रिएक्ट करते हैं और कई बार पीछे असर कर लेते हैं या गैग रिफ्लेक्स होता है, तो उसमें कई बार पूरी तरह से जो सरफेस होती है स्वैब की वो नहीं आती।
तो ये बड़ा ज़रूरी होता है कि पेशेंट को पहले पता हो, वो पूरा मेंटली तैयार होना चाहिए कि स्वैब जो है वो कैसे जाएगा और उसका क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वो मेंटली रेडी रहेगा तो सैंपल लेने में टेक्नीशियन को दिक्कत नहीं आएगी और जो प्रॉपर कलेक्शन के साथ में सैंपल आ जाएगा और उसके बाद में सैंपल जो प्रोसेसिंग करते हैं उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा। तो ये कई बार लोगों को ये सवाल आता है कि हमने दो टेस्ट किए, एक पॉजिटिव आया एक नेगेटिव आया, उसमें ये भी रीज़न रहता है कि अगर एक बार भी आपने दो टेस्ट करवाए हों तो सैंपल अगर आपका एक में ठीक लिया गया एक में नहीं लिया गया तो उसमें भी आपके रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकते हैं। तो हमें कई बार ये चीज़ें देखने को आती हैं, बट इसके पीछे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं इनका लोगों को पता होना ज़रूरी है। जी सर, वही एक सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी सर, अपना सवाल बोलिए। हेलो, हाँ कहिए, क्या सवाल है आपका? हमने टीका लगवाया, उसके बाद कुछ कमजोरी है काफी। टीका कब लगाया आपने? हो गया कोई 30 दिन हो गए। 30 दिन हो गए? देखिए 30 दिन के बाद तो कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अक्सर जो देखा गया है कि दो 56, ओके। तो कोई और कोई बीमारी तो नहीं है कोई इसके साथ में आपको? कोई नहीं और बीमारी तो नहीं है। अच्छा, तो ऐसा है कि यूजुअली देखा गया है कि 2-4 दिन तक कईयों को थकावट रहती है, बदन में दर्द रह सकती है, कभी कभी हल्का बुखार भी रहता है, लेकिन वो वक्त के साथ में ठीक हो जाता है। और कई लोगों में जो थकावट वगैरह है थोड़ी देर तक भी रह सकती है, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आप अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, जो वक्त के साथ में सारे सिम्टम जो आपके ठीक हो जाते हैं। अब आपको ख्याल रखना है कि आपने 12 हफ्ते के बाद में इसकी दूसरी डोज जरूर लेनी है। ठीक है जी, ओके ओके। सर, अगर एक बेड रिडन पेशेंट जो है उसे कोरोना हो जाता है, अब क्या एहतियात बरतने होंगे, कब उसे जो है अस्पताल का रुख करवाना चाहिए? देखिए, बेड रिडन केस में पहली बात तो ये कि कोविड अगर पॉजिटिव आता है तो उसको हॉस्पिटलाइज ही करना पड़ता है, बिकॉज हम ये मानते हैं कि वो किसी ना किसी क्रोनिक बीमारी से गुजर रहा है। तो एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि जो कोमॉर्बिड लोग होते हैं या जो जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनमें भी जो हम होम आइसोलेशन अगर जब एडवाइस करते हैं वो डॉक्टर की परमिशन से ही करनी चाहिए। होम आइसोलेशन हम नॉर्मली जो पॉलिसी है वो यंग लोगों को करते हैं जो अपना ख्याल रख सकते हैं, जो मोस्टली इस फेज से आराम से निकल जाते हैं। लेकिन अगर कोई बेडरिडन है, किसी को कोई बीमारी है, कोई क्रोनिक बीमारी है, कैंसर है, या कोई और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज कंडीशन है, या ऐसी बीमारी है काफी देर से चल रही है, उसका इलाज चल रहा है, तो ऐसे केसेस में इनको होम आइसोलेशन से पहले जिन डॉक्टर के साथ में ये इलाज करवा रहे हैं उनसे, या फिर अब जो फोन से अपने जो लाइन्स हैं हेल्पलाइन्स हैं उनसे बात करके उनकी राय लेके उनके साथ डिस्कस करके अपना पर्टिकुलर केस अपनी प्रेजेंटेशन, उसके बाद ही लोगों को होम आइसोलेशन करनी चाहिए। जी सर, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अपने एंड पे डिसीजन नहीं लेना है और पहले से ही जो बेड रिडन पेशेंट है उनकी पहले ही तबीयत वैसी होती है, तो ज्यादातर अगर हम प्रेफरेंस में देखें तो उन्हें हॉस्पिटलों का रुख करवाना चाहिए एज कम्पेयर टू होम आइसोलेशन। रीजन इसका बड़ा सिंपल है, जो बीमार होगा उसकी इम्यूनिटी पहले से कम होगी, तो उस पे ये जो वायरस है वो ज्यादा मतलब जोर से उसके ऊपर उसका इफेक्ट हो सकता है, उसके लक्षण जो है वो ज्यादा खराब हो सकते हैं, बीमारी उसमें सिवियर हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जिनमें बीमारी पहले से ही है उसमें कोविड जैसी बीमारी अगर आ जाती है तो हम इनको एक नॉर्मल अप्रोच से हैंडल नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए। तो ऐसे केसेस में पेशेंट या पेशेंट की फैमिली और डॉक्टर, हम तीनों का ये फर्ज बनता है कि हम इन केसेस को थोड़ा अलग तरीके से देखें और इनकी मैनेजमेंट को अलग तरीके से हैंडल करें। जी सर। हेलो हेलो जी मैम, अपना सवाल बोलिए मैम। जी सवाल बोलिए मैम। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको, बोलिए। वैक्सीन लगाने की बात तो की जा रही है सर, लेकिन यहाँ पे ना वैक्सीन लगा नहीं रहा है, 1+ जगह तो ट्रांसफर करते बंद है, तो सर हम किस तरह से यहाँ से जब घूम जाएंगे और किस तरह से तो मैं समझ सकता हूँ कि वैक्सीन की थोड़ी शॉर्टेज है, कुछ सेंटरों में वैक्सीन नहीं पहुँचा है, बट वैक्सीन अब ऑलमोस्ट जम्मू कश्मीर के सारे सेंटरों में पहुंच गई है। शायद कल से टीकाकरण जो अभियान है वो दोबारा से आज भी मुझे लगता है शुरू हुआ है,
लेकिन ये जो मसला ये सॉल्व हो चुका है, वैक्सीन सब सेंटर्स में आ गई है और ये फुल फ्लेज प्रोग्राम बड़ी जल्दी शुरू हो जाएगा। सर एक्चुअली यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उस तरफ से हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, लेकिन वैक्सीन तो नहीं लग रही है। नहीं, देखिए ऐसा है कि वैक्सीन जो है वो आपको पहले अपना कोविन जो पोर्टल है उस पे जाके आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है ना, अभी अभी और भी सेंटर खुलने वाले हैं, वैक्सीन जब आ जाएगी, आ चुकी है, और भी सेंटर खोलने की तैयारी हो रही है, बहुत जल्दी ही ये स्लॉट जो है आपको मिल जाएंगे, खाली मिल जाएंगे। और आप थोड़ा सा सबर कीजिए, वेट कीजिए, आप जैसे ही ये वैक्सीन के स्लॉट खुलेंगे और नए सेंटर बनेंगे तो आपको बताएंगे इसके बारे में, और फिर आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन को लेकर बहुत सारे खासकर ये इनका वैलिड रीजन है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक फैक्ट है कि वैक्सीन की कुछ शॉर्टेज थी, लेकिन वो पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, वैक्सीन हमारे पास आ चुकी है, और एक मैसिव कैंपेन और एक मैसिव जो जो वैक्सीनेशन का एक जो प्रोग्राम है वो अभी दोबारा से हम शुरू करने वाले हैं। ये जो लोग हैं जिनको स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, इनके सारे ये इश्यूज हैं, कुछ दिनों में पूरी तरह से रिजॉल्व हो जाएंगे। जी, हम कह सकते हैं कि जहां इतना इंतजार किया है, थोड़े दिनों में ही जो वैक्सीनेशन है वो हर जगह तक पहुंचाई जाएगी। और अगर बात करते हैं जिस तरीके से ड्राइव चलाई गई है, ये हर घर तक पहुंचाने की कोशिश है कि हर एक व्यक्ति को वैक्सीनेशन जो है वो लग पाए। मुझे ये कह के बड़ी खुशी हो रही है कि एक महीने पहले जो वैक्सीन के बारे में जो हेजिटेंसी थी, जो सवालियात जो क्वेश्चन थे वो अब बड़े कम हो चुके हैं। हमें बहुत अच्छी क्वेरीज आ रही हैं यंग लॉट से, 18 प्लस जो लड़के हैं, कॉलेजेस के हैं, लड़कियां हैं, पेरेंट्स हैं, ओल्ड पीपल तो पहले से बड़े प्रोएक्टिव ने वैक्सीन लिया, तो ये एक वेलकम ट्रेंड है और यही एक चीज है जो हमें कोविड की सेकेंड वेव से जल्दी निकाल पाएगी। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमें ये सबको समझना है कि पेंडेमिक से बचने का एक ही तरीका है, हर्ड इम्यूनिटी, उसका रास्ता है वैक्सीनेशन। जितनी जल्दी हम इसको अचीव कर पाएंगे उतनी जल्दी निकल पाएंगे, और आगे की जो वेव्स की हम बात कर रहे हैं उनसे भी बचने का भी यही तरीका है। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो, जी कहिए, क्या सवाल है आपका? नहीं नहीं देखिए ऐसा है कि ये कागज किताबों से जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, तो आप घबराइए मत और पेपर वगैरह पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको घबराने की बात नहीं है, पेपर वगैरह आप ले सकते हैं, सामान ले सकते हैं, अगर आप पेपर पढ़ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, घबराइए जी। तो ये इनका मैं सवाल के बारे में बताना चाहूंगा कि पिछले साल में हमें ये एक अप्रिहेंशन था कि फोमाइट्स के थ्रू कोविड के फैलने का डर था, मतलब कि कागज हो गया, अखबार हो गया, सामान हो गया, तो अब जो नई जो स्टडीज आई हैं उसमें देखा गया है कि ये रिस्क जो है इतना नहीं था जितना हम सोच रहे थे, ये काफी कम रिस्क है और इससे घबराने की इतनी जरूरत नहीं है जैसे हम पिछली बार सब चीजें साफ करते रहते थे। कुछ हद तक कई जगहों पे कुछ हालात में वो एक रिस्क रह सकता है, जैसे कि हम हॉस्पिटल की बात करते हैं या उन जगहों पे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं, कोई ऐसी सर्विस या काउंटर है वहां पे हम लोग इस रिस्क की बात कर सकते हैं, बट घर के माहौल में जब की अगर हम बात करें तो वहां पे ये जो फोमाइट रिस्क इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। बिल्कुल सर, एक सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप कहिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैं सुन रहा हूँ आपको, बोलिए जी। हेलो, हाँ सवाल करिए, आपका सुन रहे हैं हम आपको। हाँ जी सर, मेरी ना इसमें जनवरी में पहली डोज ऐसा मेरी लगी थी 18 जनवरी को। ठीक, और जी सर, ठीक है बोलिए बोलिए सर। 18 जनवरी को डॉक्टर मेरी पहली डोज लगी थी कोविशील्ड की। ठीक है अच्छा, देन आफ्टर दैट सर मेरी बदकिस्मती, आप उसको माने या क्या माने, कि फरवरी की 1 तारीख को मेरा हार्ट अटैक आया। ओके, ठीक है।
क्योंकि मैंने 3 स्टंट सर पहले पड़े हुए थे सुपर स्पेशलिस्ट से। ठीक है ठीक है। तो इसमें फरवरी की 8 को सर मेरी बाईपास सर्जरी हुई बम्बई से। ठीक है। और सर मैं ये क्लियर करना चाहता था डॉक्टर साहब कि क्या मैं सेकंड डोज ले लूं या नहीं ले लूं। देखिए ऐसा है कि आपको जो गाइडलाइंस बोलती हैं आज की डेट में कि अगर कोई भी बीमारी है कोविड की पहली डोज लेने के बाद में अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो किसी भी बीमारी के लिए हॉस्पिटल में जाना पड़ता है इलाज लेना पड़ता है तो हम आपको ये कहेंगे कि उस बीमारी से पूरी तरह से ठीक होने के 3 महीने के बाद उस बीमारी के ठीक होने के 3 महीने के बाद कम से कम 3 महीने के बाद में आप अपनी दूसरी डोज ले सकते हैं। राइट सर। नहीं मेरा 2020 में हुआ था पहला हार्ट अटैक सर। नहीं अभी आप इसको छोड़िए अभी आप ये वाला जो है आपका जो 2 फरवरी को जो आपका ये जो हुआ इसके इसके ठीक होने के बाद अगर आप बिल्कुल ठीक हो जब आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया उसके बाद आप 3 महीने गिनिए और 3 महीने के बाद में अपना दूसरा शॉट आराम से बेफिक्र होकर लीजिए। ओके डॉक्टर थैंक यू। वेलकम वेलकम। बिल्कुल जैसे इनका सवाल था मेरा भी ऐसे ही सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति पहला डोज लेता है उसके बाद कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है तो उसे इंतजार अब जो है ज्यादा इसका ड्यूरेशन अब बढ़ा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। हम कल तक जो हम बात कर रहे थे हम लोग एडवाइस करते थे किसी भी तरह की इलनेस बीमारी या कोविड इन्फेक्शन पहली डोज लेने के बाद में हम उस बीमारी से ठीक होने के बाद में 1 महीने का गैप एडवाइस करते थे। आज हमारे पास जो नई जानकारी आई है इसमें ये जो अंतराल है इसको 3 महीने कर दिया गया। 3 महीने। तो अगर किसी को कोविड किया कोविड की वैक्सीन लेने से पहले कोई इन्फेक्शन है उसको ठीक होने के 3 महीने का वेट करना है। जी। अगर किसी को कोविड की पहली वैक्सीन के बाद में कोई दोबारा से कोविड हो जाता है तो भी उसको 3 महीने वेट करना है अपनी रिकवरी के बाद में। जी। अगर उसको कोविड की पहली डोज लेने के बाद में किसी भी तरह की बीमारी होती है तो उसको उस बीमारी से ठीक होने के बाद में 3 महीने का वेट करना है अपनी सेकंड डोज के लिए। बिल्कुल वही ये आज चेंज हुआ है। बहुत से लोगों को ये भी सवाल होगा कि जब पहला डोज लिया है अगर उन्हें कोई दिक्कत आ जाती है तो 3 महीने तक उन्हें वेट करना है दूसरी डोज देने का तो उसमें वैक्सीनेशन के उस डोज में कोई असर में कमी तो नहीं देखने को मिलेगी। बहुत वैलिड क्वेश्चन आपका। देखिए जब हम कोई भी वैक्सीन लेते हैं तो उसका असर आते आते 2-3 हफ्ते लग जाते हैं जो उस वैक्सीन की जो एंटीबॉडीज बनती हैं जो सेल्स बनते हैं उसको भी वक्त लगता बनने के लिए और उसके बाद में वक्त के साथ में वो लेवल बढ़ता है वो लेवल काफी देर तक बढ़ता रहता है उसके बाद एक प्लेट्यू में आता है और उसके बाद में वो कम होता है। तो ये 3 महीने का जो गैप है इसमें वो एंटीबॉडीज लेवल जो है वो इतने सफिशिएंट रहते हैं कि उनका लेवल कम नहीं होता और वो बढ़ता रहता है कुछ कुछ मात्रा में। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। पहली डोज के बाद में आपको एक रिलायबल सेफ्टी मिल जाती है कोविड 19 से जी। और वो जो है वो ऑप्टिमम तब बनती है जब आप उसकी सेकंड डोज लेते हो जो कि एक बूस्टर होती है। तो दूसरी डोज के बाद में 10-15 दिन के बाद में आपको वो टॉप लेवल की जो सेफ्टी है वैक्सीन से मिलती है पर पहले के बाद में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है जी। और वो काफी देर तक आपको बचा के रखता है जब तक आपका सेकंड डोज नहीं आता। बिल्कुल हम कह सकते हैं कि इसमें घबराने वाली बात नहीं और इफेक्टिवनेस काम वो वैसे ही करेगा जैसे पहले अंतराल में कर रहा था। तो बिल्कुल भाई नेक्स्ट सवाल लेते हैं। हेलो 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 जी सर अपना सवाल बोलिए सर। हाँ बोलिए क्या सवाल है आपका बोलिए सुन रहे हैं आपको। 3 तारीख से ठीक है। 3 तारीख से मैं आया था। ठीक है देखिए ऐसा है कि कई लोगों में आपकी उम्र कितनी है 50 कोई और बीमारी कोई शुगर वगैरह हाइपरटेंशन वगैरह मेरी एक चीज है वो मेरे डायबिटीज से है ना ज्यादा। अच्छा चलिए सुनिए ऐसा है कि कुछ लोगों में कोविड 19 जब वो बाहर निकल आते हैं ऐसे रिकवरी हो जाती है तो काफी देर तक थकावट हल्का हल्का बुखार का आना जाना लगा रहता है बदन में दर्द भी होती है सांस लेने में भी कई बार लोगों को दिक्कत आती है तो ये सब सिम्टम जो है कुछ देर तक रहते हैं कई लोगों में जल्दी ठीक हो जाते हैं कई लोगों में देर लगाते हैं पर वक्त के साथ में सब ठीक हो जाते हैं। आप इनसे घबराइए मत अपने खाने पीने का ख्याल रखिए अपना जो इम्यूनिटी है उसका ख्याल रखिए ठीक तरीके से खाइए रेस्ट कीजिए और अपनी जिंदगी जो है वो धीरे धीरे अपना कामकाज में आप शुरू करिए अपना कामकाज जो भी है
और ये जो आपको दिक्कतें आ रही हैं ये वक्त के साथ में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये होता है, ये होता है, कुछ लोगों में होता है, ये होता है। आप टॉनिक ले सकते हैं, आप बूस्टर से होते हैं इम्यूनिटी के वो भी ले सकते हैं, खाना अच्छी तरह से खाइए। तो ये सब जो दिक्कतें हैं ये कुछ वक्त के लिए रहती हैं, ये वक्त के साथ में ठीक हो जाएंगी, आपको इस पर चिंता करने की बात नहीं है, ये रहता है ये, ठीक है। अगर कोरोना के संक्रमण की बात करते हैं, क्या कुछ ऐसा देखा गया है कि एक व्यक्ति में एक लिमिटेशन ऑफ क्या है कि री इन्फेक्शन कितने समय तक उनके साथ हो सकता है, एक बार, दो बार, तीन बार, कुछ इसका लेवलिंग अभी तक किसी पेशेंट में देखने को मिला? री इन्फेक्शन एक एक्सेप्टेड एंटिटी है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एक बार कोविड हो गया तो उसको दोबारा नहीं हो सकता जी। सबसे पहले हम जब बात करते हैं आज के दिनों में, हम ये बड़ा सही तरीके से ये लोगों को समझना चाहिए कि कोविड होने के बावजूद भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो छोड़ना नहीं है, चाहे हम कोविड पॉजिटिव आए हैं उसके रिकवरी के बाद भी, चाहे हमने वैक्सीन लगाया है उसके बावजूद भी। उसका रीजन दो है, उसका रीजन ये है कि सबसे पहले तो हम जो वैक्सीन लेते हैं वो कोई भी वैक्सीन 100% हमें ये नहीं कहते कि आपको हम कोविड द्वारा नहीं होने देंगे जी। वैक्सीन जो है आपको सिवियर कोविड से बचाती है जी। वैक्सीन आपको हॉस्पिटल जाने की नौबत ना आए वहां तक लेके आती है जी। वैक्सीन आपको जो है एक हद तक आपको सेफ्टी देती है जी। वो 70% हो सकता है, 80% हो सकता है, 85% हो सकता है, 90% हो सकता है, लेकिन वो 100% कभी नहीं होता। तो हर एक आदमी ने जिसने वैक्सीन लिया है उसमें कहीं ना कहीं चांस है कि उसको कोविड हो सकता है, पहले तो ये समझना है। दूसरा है कि हमारे पास आज जो वेरिएंट्स हैं वो अलग हैं, वो वाले वेरिएंट नहीं है जो पहले वाले थे। तो हो सकता है कि आपको एक एक स्ट्रेन से इन्फेक्शन हुआ हो, लेकिन दूसरे भी तो हैं, उनसे भी हो सकता है। तो ये नॉलेज जो है ये हमें यही समझाता है कि फिलहाल इस कोविड की सेकेंड वेव में हमको अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बंद नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, हम कोविड से निकल गए हो, वैक्सीन लिया हो, लेकिन डबल मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन और क्राउडेड प्लेसेस में जाना फिलहाल अवॉइड करें। हम रोज देखते हैं मार्केट्स का क्या हाल है, अभी भी इतने सब होने के बाद भी इस चीज को समझिए। बिल्कुल, हम ये कह सकते हैं कि आप नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इन्फेक्शन है या नहीं है, माइल्ड सिम्टम्स है, कुछ भी है, लेकिन जो एक बिहेवियर है कोविड को लेकर, जो प्रिकॉशंस की बात करते हैं हर बार, उससे वैसे ही बरकरार रखना। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 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 जी, डॉक्टर। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर, मैं रियाज जानीपुर से बोल रहा हूँ सर। मेरी मिसेज में शुगर पेशेंट है सर जी। तो अभी कोई डोज लगाइए सर, तो उसका क्या प्रोसीजर है? आप डोज लगा रहे हैं, पहली डोज लगाने से क्या ये मुझे पता? बिल्कुल, आप बेफिक्र होके उनको डोज दीजिए, पहली डोज दीजिए। आपको कोविन जो आपका आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप आप पहले डाउनलोड कीजिए, तो उसमें आप उनका मोबाइल नंबर डाल के उनका जो अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक कीजिए। आपको SMS आएगा, उसमें बताया जाएगा कि आपको वैक्सीन कहाँ लेनी है। आप अपने घर के आसपास का कोई भी सेंटर ले सकते हैं जो आपको उसमें दिखाई देगा। तो डायबिटीज का कोई लिंक नहीं है, आपने उनको वैक्सीन देनी है और आप अपने फोन में पहले उसकी बुकिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद में जो आपको टाइम और जो डेट और सेंटर मिलेगा उस दिन आप उनको लेके जाइए, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, मास्क पहन के जाइए और अपनी वैक्सीन उनको लगवाइए। आप उसमें अपना आधार कार्ड ले सकते हैं, आपको ID चाहिए होता है उसमें, आधार कार्ड ले लीजिए और वो पहले, लेकिन ऐप में आपको अपना बुकिंग करना जरूरी है, वॉक इन नहीं होता, आपको पहले से एडवांस बुकिंग करनी होती है। ओके, बिल्कुल। जिस तरीके से डायबिटीज के पेशेंट के लिए बोला है, उन्हें भी काफी एहतियात बरतने की बहुत ज़रूरत रहती है, क्योंकि मोस्टली देखा गया है अगर उनके कोई इंजरी हो जाती है उसे वक्त लगता है भरने में, तो वही बहुत ज़रूरी है तमाम, खासकर उनके घरों में, जिन घरों में ऐसे कोई पेशेंट है या उनके घर से कोई शख्स बाहर निकलता है, उसका एहतियातों को बरतना कितना ज़रूरी। देखिए, मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में हर घर में जिसमें बुजुर्ग हैं और जिसमें कोमॉर्बिड लोग हैं, जिनमें ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी है, पुरानी बीमारी है, लंबी बीमारी है, शुगर है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, कोई ऐसी लंबी बीमारी है कि उनका जो इम्यून सिस्टम कम है, इन लोगों को तो सबसे पहले अब तक वैक्सीन ले लेना चाहिए। अगर नहीं लिया हुआ है तो अभी भी देर नहीं हुई है,
इन लोगों को सारी शंकाएं निकाल के, वहम निकाल के, अब जो इनके बच्चे हैं, जो इनके घर में बुजुर्ग हैं, जो या जो बड़े हैं, वो इनका बुकिंग का स्लॉट बुक करें और पहली डोज जल्दी से जल्दी लगवाएं। जी सर, नेक्स्ट सवाल। हेलो। हाँ बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा सवाल ये कि मैं, मुझे प्रेशर जो है ना, प्रेशर लेना। जी हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं आपको। हाँ, वो 140 है बाय 1280 है। ठीक है, प्रेशर जो मेरा है ना। हाँ सुन लिया सुन लिया, ठीक है बोलिए बोलिए। 140 है वो। हाँ ठीक, नीचे जो होता है ठीक है, वो ठीक है ठीक। अब मेरे सर में ये थोड़ा प्रॉब्लम है, होता है दर्द दर्द हो रहा है जी, दो तीन दिन से जी, और आज शाम को थोड़ा बहुत ज्यादा ये दर्द महसूस हुआ। आज मैं डॉक्टर के पास गया था, ठीक, उसने वहां पर दवाई दे दी, ठीक, विटामिन बी थ्री ठीक, और दे दिया है वो पेन किलर ठीक। मैं घर पर हूँ पेन किलर से ठीक। फिर उसके बाद मैंने वहां से आके मैंने $2,650 खाया। ठीक ठीक। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं बोलिए बोलिए। और ये जो इससे पहले भी मैं, मुझे आता था ये क्या नाम है, ये प्रेशर ठीक। मैं 66 ठीक ठीक ठीक। आई एम माय एज 66 ठीक। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। और इससे पहले मेरा 90 आता था और 140। अभी अभी दिक्कत क्या आपको, आपका सवाल क्या है आपका? दिक्कत ये है कि उसने मुझे वो दे दिया, एक तो जो है विटामिन सी, हाँ वो टैबलेट है उसने, हाँ। तो आपसे आपसे मैं एक बार खाना है और दूसरे हफ्ते में दूसरी, तीसरे हफ्ते में। देखिए कोविड कोविड के मतलब आपका कोई सवाल है जी? तो कोविड के मतलब कोई सवाल है आपका? नहीं, कोविड के बारे में मुझे कोई सवाल नहीं है। अच्छा, तो अभी हम इस फोन कॉल में कोविड के सवाल ले रहे हैं सिर्फ। आप अपना सवाल जो है अपने डॉक्टर से। ये तो भी आपको, ये तो भी एक आम इंसान का शिकायत है, मैं ये आपको। हाँ, देखिए इसके लिए आप देखिए, आप डॉक्टर से सुबह मिले हैं, आप जो जो उन्होंने आपको इलाज दिया उसको फॉलो कीजिए, और अगर आपके आपको जो सिम्टम आपको रिलीव नहीं होते हैं तो कल उनको दोबारा से फोन पे बात कीजिए, उनकी राय लीजिए जी। तो बिल्कुल अब समय हो चुका है सर अलविदा लेने का, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो चलिए अब मुझे और सर को दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। अरे ओ बंसी, तेरी और मेरी गाय तो एकदम जुड़वा लागे है, हष्ट पुष्ट।